16 माला की मंजिल के ऊपर से प्रभु ने नीचे देखा, ट्रैफिक भाग रहा था, जिंदगी भी भाग रही थी और गाड़ियां, बेशुमार गाड़ियां भाग रही भाग रही भाग रही। ये कहां रुका था प्रभु? प्रभु भी तो भाग रहा था और प्रभु ने जिंदगी में भाग भाग कर 150 करोड़ की पूंजी जमा कर। प्रभु पूछता, 3 बेटे थे, एक न्यूरोसर्जन, दूसरा वो भी बिजनेस में था लेकिन बिल्कुल अलग किस्म का बिजनेस में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो डील कर रहा था, जो अभी अभी जिसने आँख खोला इस दुनिया में, इस जिंदगी में, जो अभी अभी नया आया है। वो मशीन से ज़्यादा प्यार करता था और इंसान से कम, क्योंकि रोज़ाना वो नया डेटा फीड करके मशीन को इंटेलिजेंट बना रहा था। I'm talking about driverless car. Driverless car को जब डेटा की जरूरत पड़ती है कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ दाएं जाना है, कहाँ बाएं जाना है, तो उससे जरूरत पड़ती है वो डेटा के लिए, सेंसर के लिए इंफॉर्मेशन के, ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस मशीन को कैसे करना, वो धंधे में लगा हुआ था दूसरा। और तीसरा जो बिल्कुल ही अलग था, ऐसा था कि तीसरा पूछता था कि ये शार्प क्यों होती है, ये बर्फ क्यों पिघलता है, और घड़ी क्यों चलती है। इन सवालों का जवाब वैसे तो बहुत कुछ है, वैसे कहीं नहीं है। तो इन्होंने प्रभु अपने पिताजी को बोला कि पिताजी, ये जो बातें हैं, अगर शाम जब होती है ढलती है तो उसकी जगह पर वापस सवेरा हो जाए, तो अगर बर्फ पिघलने का रुक जाए तो, और ये जो घड़ी है, ये घड़ी चलने से बंद हो जाए तो क्या होगा। प्रभु ने बहुत आसानी से बताया कि चल आजा मेरे धंधे में, खुद पर, और मैं जो कहता हूं ऐसा कर, देख क्या होता है। नहीं, वो नहीं चला। उसने सामने एक और क्वेश्चन पूछा कि ये जो सिक्का है उसमें पानी भर के दिखाओ। था क्या अजीब सा सवाल था, सिक्के में कोई पानी भरता है क्या? अब ये पूछ रहा था कि सिक्के में पानी भर के दिखाओ, और अगर पानी नहीं भर सकते तो सिक्के को उगाओ, मैं भी शाम को उगने दूंगा। बड़ी अजीब सी बात थी। अब इन बातों को लेकर जब ये चारों इकट्ठे हुए, तीनों लड़के और पिताजी, तो दो लड़के ने तीसरे को बोला कि क्या कहना है। तो तीसरे ने कहा, ये प्रभु क्यों नहीं नजर आता है, प्रभु माना ईश्वर, बोलता है वो खुद हार जाता है, ये पिताजी
रोज जीता जीता जीता, लेकिन यहाँ प्रभु खुद हार जाते हैं तो हम कहाँ हार जाएंगे, प्रभु नजर क्यों नहीं आते इस दुनिया में। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, डोंट थिंक मच, अवर प्रपोजल इज वेरी सिंपल, बी विद अस। और तीसरा होमान चला गया दोनों के साथ, और प्रभु हार गया।